अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। ये बिल्कुल ही फ्री है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट यानी कि एक ऐसी मेडिसिन शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक्ने पिंपल्स होते हैं, बम्प हो जाते हैं स्किन पर छोटे छोटे जिनमें पस पड़ जाता है, या फिर उनके एक्ने पिंपल्स के जो स्पॉट हैं वो आपके स्किन पर रह जाते हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ SPL के ये बर्बेरिस एक्यूफोलियम जेल के बारे में। बर्बेरिस एक्यूफोलियम की जो दवा आती है उसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। तो ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको एक्ने पिंपल हो रही है, बम्प हो रहे हैं, किसी किसी के नोज़ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो जाते हैं, फोरहेड पर हो जाते हैं, तो उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या उनके जो स्पॉट रह गए हैं उसको भी रिमूव करता है। 100% नेचुरल है, जैसे कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन बस ये है, आपको इनको लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ता है तभी इनके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये बर्बेरिस एक्यूफोलियम जो जेल है ये एक्ने पिंपल्स को और दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो। फिर मैं बात करती हूँ इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग नॉर्मल ही प्लास्टिक के ट्यूब में ही आता है। ट्रैवलिंग पैकेजिंग, अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक कंपनी है जो कि जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है। 5 साल की आपको इसकी एक्सपायरी डेट मिल जाती है और उसके साथ ही 56 इसका प्राइस है और 25 ग्राम का ट्यूब आपको मिल रहा है। तो 56 में अगर आपको 25 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। हर कोई अफोर्ड कर सकता है, टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी उम्र में यूज़ कर सकते हैं। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा कम है तब आपको यूज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा है तब यूज़ नहीं करनी है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं या उनके किसी भी तरह के स्पॉट हैं तभी आपको इसको यूज़ करना है और नहीं यूज़ करना है। या तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स हैं तो आप अपने पूरे फेस पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कम है तो सिर्फ आपको पिंपल्स वाली जगह पर ही अच्छे से वॉश करने के बाद में पिंपल्स एक्ने जहाँ पर भी हैं वहीं पर इसको यूज़ करना है। और इसको आपको नाइट में यूज़ करना है। नाइट में यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कम से कम अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल तो 6 मंथ आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है। अगर कम है तो हो सकता है उससे जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन 6 मंथ कम से कम करना है क्योंकि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनको लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि आप अफोर्ड ना कर सकें। फिर बात करें इसके टेक्सचर की, तो लाइट येलोइश कलर इसका में ये ट्यूब आता है और बहुत थिक है ये, बिल्कुल जैसे कि जेल बेस होते हैं पतले वैसा नहीं है ये, थोड़ा सा थिक है ये। और इसको ब्लेंड होने में भी थोड़ा सा आपकी स्किन पर टाइम लगेगा, तो आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। स्मेल की बात करें तो स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि जो बर्बेरिस एक्यूफोलियम की जो दवा आती है वही स्मेल है। इसमें 10% बर्बेरिस एक्यूफोलियम है और उसके अलावा इसमें जो भी है वो जेल बेस ये है, और इसके अलावा इसमें तीसरा कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किया गया है। तो आपके जितने भी आप अगर इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन को ये कम्प्लीटली क्लियर कर देगा। अगर लेकिन अगर आप रेगुलर लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा आपको 6 मंथ कम से कम इसको यूज़ करना है। तो स्मेल इसकी एक मेडिसिन वाली स्मेल ही इसमें से आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको ब्लेंड होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जब आपकी स्किन पर से अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो आपकी स्किन पर थोड़ा सा येलोइश कलर ज़रूर छोड़ देगा, क्योंकि अगर आप बर्बेरिस एक्यूफोलियम की दवा यूज़ करी है, जिन लोगों ने उन्हें पता होगा ये अपना जो थोड़ा सा येलोइश कलर होता है उसको छोड़ देता है। इसीलिए कह रही हूँ आपको सिर्फ इसको नाइट में ही यूज़ करना है। अब बात करते हैं ये आपकी स्किन पर काम कैसे करेगा। ये धीरे धीरे जो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से आपको एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं उनको ख़त्म करेगा, आपके पोर्स को क्लीन करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रहेगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको कंट्रोल करेगा और आपके एक्ने पिंपल्स भी कंट्रोल होने लगेंगे। तो इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो किसी भी उम्र में, आपको यूज़ सिर्फ नाइट में ही करना है। अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, अगर पूरे फेस पर अगर आपको एक्ने पिंपल्स स्पॉट हैं तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं कहीं पर एक्ने पिंपल्स हैं तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में आपको कुछ और यूज़ नहीं करना है नाइट में, डे में कर सकते हो।
और इसको ऐसा नहीं है कि आप हाइपर पिगमेंटेशन पर लगा रहे हो या किसी और चीज़ पर यूज़ कर रहे हो, ये सिर्फ एक्ने पिंपल्स पर ही काम करता है, किसी और चीज़ पर ये काम नहीं करेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो जुड़ी हुई किसी और जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।